और बाबा साकार से जुड़ी हुई बड़ी खबर, मधुकर को लेकर हाथरस पहुंची है पुलिस। देव प्रकाश मधुकर उसे लेकर के हाथरस पहुंची है पुलिस। हाथरस पुलिस की पूछताछ जारी। देव प्रकाश मधुकर जो कि मुख्य आयोजक था हाथरस के उस खूनी सत्संग का, जहां 123 बेगुनाह श्रद्धालुओं की मौत हुई, एडीजी रैंक के अधिकारी मधुकर से सवाल कर रहे हैं। पुलिस को सीधा जवाब नहीं दे रहा है मधुकर, खुद को बार बार सिर्फ सेवादार बता रहा है, जबकि बतौर आयोजक उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी बनाया गया है मधुकर। आज शाम 5 बजे से पहले कोर्ट में मधुकर की पेशी होगी। उससे पहले हाथरस पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसे ही मुख्य आरोपी बताया गया। और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी अहमियत इससे समझिए कि जैसे ही देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार हुआ, वैसे ही बाबा साकार हरी सामने आ गया, यानी कि ये उसका खास सेवादार, मुख्य सेवादार है और मुख्य आयोजक था उस सत्संग का जहां 123 बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। और कहीं ना कहीं उससे पूछताछ में ही राज खुल सकते हैं कि आखिरकार 80,000 लोगों की भीड़, जहां पर परमिशन ली गई थी, वहां 2.5 लाख लोग कैसे जुटे और वहां जो इंतजाम थे, जो सेवादार थे, वो क्यों उन्होंने लाठीचार्ज किया था। इन सब के बीच बड़ी खबर, डर सबको लगता है, चाहे वो खुद को भगवान कहने वाला साकार हरि ही क्यों ना हो, ये डर आज बाबा साकार हरि की आंखों में दिखा है। हाथरस हादसे के बाद गायब हुए बाबा साकार हरि को आज 4 दिन बाद सामने आने की फुर्सत मिली। साकार के सामने आने की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उसका सेवादार और हाथरस भगदड़ का मुख्य आरोपी देव प्रकाश पुलिस के शिकंजे में आया, उधर बाबा साकार मीडिया के सामने आ गया। क्या उसकी पूछ के राज देव प्रकाश मधुकर के पास हैं और वो राज खुलने के डर के बाद अब साकार हरी सामने आ चुका है। मधुकर की गिरफ्तारी से साकार डर गया और मुश्किल बढ़ती देख सामने आ गया है, क्योंकि मधुकर की गवाही से बाबा साकार हरी की मुश्किलें बढ़ना तय है। तो हादसे के 4 दिन तक बाबा क्यों छिपता रहा, अब जब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया तो साकार हरि को भी डर सताने लगा। आश्रम के बाहर से संवाददाता नीतीश पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त आश्रम के बाहर खड़े हैं और गेट नंबर 1 आपके सामने है। बाबा लंबे समय से इस आश्रम के भीतर मौजूद थे। जी मीडिया लगातार सवाल उठा रहा था कि भाई बाबा अंदर है तो बाहर आकर बयान क्यों नहीं देते अपने भक्तों की, इस तरह की व्यथा पर भी बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर बाबा को कौन सा डर सता रहा है जो वो आश्रम की इन दीवारों के पीछे कहीं ना कहीं भूमिगत हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि बाबा इतने देर बाद सामने क्यों आए, क्या बाबा पर कोई जांच की तलवार लटकने वाली थी, क्या बाबा पर से भक्तों का विश्वास कम हो रहा था और बाबा को ये डर सता रहा था इसलिए बाबा बाहर आ गए और बाबा आकर बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी इस आश्रम के बाहर आपको कोई ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं देगी जो कि कहीं ना कहीं बाबा के तौर पर हो। बाबा अभी भी इस आश्रम के पीछे हैं और जी न्यूज़ जी मीडिया लगातार सवाल उठा रहा था कि बाबा इस आश्रम के भीतर हैं, मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार ये लोग अपनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो सर हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, बाबा कहाँ हैं, अंदर हैं, पता है कुछ? नहीं मालूम। नहीं मालूम आपको? आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं या अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं। आदेश क्या है? आदेश ये है कि देखिए कोई आए नहीं, कोई जाए नहीं, निकले नहीं यहाँ से, किसी को बाहर और अंदर जाने नहीं दिया जाए, और ये पूरी तरह से आदेश है। आप लोग एकदम यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या, मुस्तैद। तो कभी आप लोगों को अंदर से किसी ने बुलावा उलावा कुछ भेजा, अंदर जाइए या बाहर आइए, कुछ ऐसा रहा? नहीं नहीं ऐसा। सामान अंदर, खाने पीने के सामान पूरे मौजूद हैं क्या अंदर? कुछ लोग मौजूद हैं, कभी जानने का प्रयास? नहीं नहीं, दो कार्य सेवक हैं, दो एक आदमी वहाँ गेट पर रहते हैं, जो सेवक हैं वो गेट पर रहते हैं। तो बाबा का राजदार पुलिस के शिकंजे में है, अब साकार का बेनकाब होना तय है। मधुकर की गिरफ्तारी के बाद क्यों डर गया है बाबा साकार, क्या साकार के राज जानता है देव प्रकाश मधुकर, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी वजह से मधुकर की गिरफ्तारी के फौरन बाद साकार हरि सामने आ गया। इधर मधुकर अरेस्ट हुआ, उधर सामने आ गया साकार हरि। मधुकर की गिरफ्तारी से क्यों डरा बाबा, जो बयान उसने अभी दिया है, 3 दिन से कहां था वो, मधुकर की गवाही से उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसी वजह से वो अब सीधे सामने आ चुका है और हाथरस के कसूरवारों का अब पूरा हिसाब होने की उम्मीद है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर अब शिकंजे में आ चुका है। और इन सब के बीच कहा यही जा रहा है कि जो मधुकर है वो बाबा का वजीर है। वजीर शतरंज के खेल में राजा के ठीक बगल में खड़ा होता है और सबसे अहम होता है, और साकार का मुख्य सेवादार
यहां पर देव प्रकाश मधुकर है, उसे वजीर हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल हादसे के तुरंत बाद बाबा को उसने फोन किया था, बात की थी, गाइडेंस ली थी, साकार को हादसे की जानकारी दी थी। करीब 2.5 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई और कुछ देर बाद फिर से दोबारा फोन किया। इस बार पत्नी के मोबाइल से बात की। करीब 11.5 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है, यानी जब हादसा हुआ उसके बाद आगे की क्या रणनीति हो ये इन दोनों के बीच चर्चा हो रही थी। यहां पर राजा है साकार हरि और उसका वजीर है देव प्रकाश मधुकर। आपको हम तस्वीरों के जरिए भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों बेहद खास हैं। पहली तस्वीर देव प्रकाश मधुकर जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जैसे ही मधुकर गिरफ्तार हुआ सामने आ गया साकार हरि। अब सवाल ये भी है कि क्या देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी से डर गया या फिर किसी स्ट्रेटजी के तहत देव प्रकाश मधुकर ने को पहले अरेस्ट जैसे ही हुआ उसके बाद सामने आया है साकार हरि। अब इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही पता चलेंगे। लेकिन हाथरस कांड में जिन 123 बेगुनाह लोगों की मौत हुई है अब दो सबसे बड़े जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ चुके हैं। देव प्रकाश मधुकर जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, हाथरस पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, और साकार हरि जो पिछले 3 दिनों से गायब चल रहा था, हालांकि हम लगातार बता रहे थे, जी न्यूज लगातार बता रहा था कि वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन मैनपुरी की वो अपने आश्रम में ही है और ऐसे में अब सामने आ चुका है। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन जो पूछताछ करेगी उसमें से सच सामने आ पाएगा। आखिरकार 123 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है, किसने वहां पर 80,000 की परमिशन लेकर के 2.5 लाख की भीड़ जुटाई, किसके कहने पर सेवादारों ने लाठी चलाई और किसके कहने पर बाबा भूमिगत हो गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, ये सभी सवाल हैं। साकार हरि सामने आया तो लिखी हुई एक स्क्रिप्ट के तहत उसने अपना बयान दिया, उसके वकील के जरिए वो बयान लिखवाया हुआ है क्योंकि उसमें साफ साफ नाप तोल करके लिखा हुआ है और ये दावा किया गया है कि भाई हमें संवेदना है, लेकिन वो संवेदना पिछले 3 दिनों से कहां थी एक शब्द नहीं बोला गया। 123 लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है, कई घर ऐसे हैं जिसमें दो दो तीन तीन लोगों की मौत हुई है। अपने इन भक्तों के लिए उसके मुंह से एक भी बोल नहीं फूटे, लेकिन जब भक्तों के मुंह से आवाज निकलने लगी कि ये भगवान नहीं ये पाखंड है तो कहीं ना कहीं उसने जो तिलस्म का पूरा माया जाल रचा था, एक लोक बनाया था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अब खत्म होने का खतरा डर सता रहा था, इसी वजह से वो सामने आ गया। जी